दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियो डिटर्मिनिज्म या नियो इन्वायरमेंटलिज्म, नव नियतिवाद या नव पर्यावरणवाद। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉसिबिलिज्म का अध्ययन किया, संभववाद का अध्ययन किया, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि मनुष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ह्यूमन को प्रकृति से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान सिर्फ एक सलाहकार, केवल सलाहकार के रूप में है। और ये ब्लाश महोदय का कथन था। नियतिवाद में कहा गया था कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, तो अभी तक तो जो हमारे दोनों कॉन्सेप्ट थे उसमें एक में प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया गया, एक में मनुष्य को इम्पोर्टेंस दी गई, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। और अब जरूरत थी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि यह बताए कि ना सर्वशक्तिमान नेचर है, ना सर्वशक्तिमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ह्यूमन है, बल्कि दोनों का इम्पोर्टेंस है। अगर दोनों एक दूसरे से मिलकर सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो ही सभी का कल्याण हो सकेगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को कहा गया नव नियतिवाद या नव पर्यावरणवाद, अर्थात एक नए प्रकार का यह नियतिवाद है जिसे हम वैज्ञानिक नियतिवाद की भी संज्ञा देते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, अगर हम नामों पर ध्यान दें तो इसे नव नियतिवाद भी कहा जाता है, नव पर्यावरणवाद भी कहा जाता है, वैज्ञानिक नियतिवाद की भी इसे संज्ञा प्रदान की गई है और व्यवहारिक संभववाद की भी संज्ञा प्रदान की गई है। तो अगर कभी लिखने को आए व्यवहारिक संभववाद या प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म तो भी आप इसी को लिखेंगे, वैज्ञानिक नियतिवाद, नव नियतिवाद, नव पर्यावरणवाद, व्यवहारिक संभववाद। ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, जो शब्दावलियां हैं, वो एक ही चीज से संबंधित है, एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। और कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जो नियतिवाद है, जो संभववाद है, दोनों को जोड़ दिया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि नेचर भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट यही है। इसके जो जनक माने जाते हैं वो ग्रिफिथ टेलर माने जाते हैं और इन्हें एक अमेरिकन जियोग्राफर माना जाता है। जब हम लोग अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो वहां पर हम ग्रिफिथ टेलर के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, काफी गहराई से अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इनके बुक्स हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं। लेकिन यहाँ पर इनके बारे में सिर्फ इतना हम जानते हैं कि इन्होंने नव नियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का दिया हुआ है। जैसे पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट ब्लाश का है, डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट रेट्जल महोदय का है, उसी प्रकार से नियो डिटर्मिनिज्म, नियो इन्वायरमेंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, और इसे इन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद नाम दिया, अर्थात वैज्ञानिक नियतिवाद के रूप में संबोधित किया, इसे एक नई शब्दावली का इसके लिए प्रयोग किया। और इसे इन्होंने रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा है। यहां आप देख रहे होंगे, यहां मैंने लिखा हुआ है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये होता है, हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है। हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस हमें रोकेगी, हमारे गंतव्य को नहीं बदलेगी पर थोड़े समय के लिए हमें रोकेगी, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस ओर जाना है। यही इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ जोड़ा है टेलर ने और बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस माना है प्रकृति को। टेलर महोदय ने नेचर को माना है ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के रूप में नेचर को बताया और यह बताया है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाती है। हमारे गंतव्य को नहीं बदलेगी, हमें जहां जाना है वहां नहीं बदलेगी, लेकिन थोड़े समय के लिए हमें रोकेगी जरूर। हम वहां रुकेंगे, हम सोचेंगे समझेंगे कि हमें किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है, क्या कार्य करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया और इसीलिए इन्होंने नव नियतिवाद, नव पर्यावरणवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद के लिए एक और शब्दावली का प्रयोग किया, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म।
इनका मानना था कि अगर यात्री अपनी भलाई चाहते हैं तो उन्हें नियमों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगर लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो प्रकृति को उन्होंने ट्रैफिक पुलिस माना था, तो अगर वो प्रकृति की का सहयोग देंगे, प्रकृति के साथ सहयोग करेंगे और प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रख कर कार्य करेंगे तो ही मनुष्य का कल्याण संभव है। दोस्तों, जब हम लोग नियति बात पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ते समय हमें बिल्कुल यह लगने लगा था कि हाँ, ये बात सही है, नेचर सुप्रीम है और मनुष्य कहीं ना कहीं उससे बंधा हुआ है, उस पर डिपेंड है। और वास्तव में ऐसा है भी। हमने वहां बात की कि हम अपने पोषण के लिए, हम अपने अधिवास के लिए, हर चीज जरूर, हर जरूरत की चीज के लिए हम नेचर पर डिपेंड है। लेकिन जब हमने उसके बाद पॉसिबिलिज्म पढ़ा, हमने वहां मनुष्य की कार्य कुशलता, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता और मनुष्य जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो सारी चीजें जब हम लोगों ने सोची तो हमें लगने लगा कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मनुष्य का ज्यादा इंपॉर्टेंस है और प्रकृति केवल एक सलाहकार केवल है। लेकिन अब नवनियतिवाद में क्या किया गया है कि दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास किया गया है, और एक और प्रकृति भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हम मनुष्य की कार्यकुशलता को भी हम नहीं त्याग सकते हैं, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यह विचारधारा दोनों को जोड़ने का कार्य करती है और यह बताती है कि मनुष्य अपना ज्यादा से ज्यादा विकास, अपना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट, समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण तभी कर सकता है जब दोनों का सहयोग हो। नेचर अपना काम करे और मनुष्य नेचर को ध्यान में रखते हुए, उससे सहयोग लेते हुए अपने कार्य को करे। यहाँ एक और नाम लिखा हुआ है, जॉर्ज टैथम, एक कनाडियन जियोग्राफर। इन्होंने नवनियतिवाद के लिए व्यवहारिक संभववाद शब्दावली का प्रयोग किया है। अक्सर ये प्रश्न आ चुका है और सीधे सीधे आता है कि किस भूगोलवेत्ता ने, किस विद्वान ने नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म के लिए व्यवहारिक संभववाद शब्दावली का प्रयोग किया। तो वहां हम बताएंगे कि जॉर्ज टैथम ने व्यवहारिक संभववाद शब्दावली का प्रयोग किया और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप सिर्फ तीन शब्दों को याद करें, आपको पूरा कथन याद हो जाएगा। विजय, अधीनता और सहयोग। विजय के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा है, अधीनता के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा है और सहयोग के सामने टिक या सही का चिन्ह लगा हुआ है। अब इसे हम एक, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसे हम एक अब लाइन के रूप में कैसे बताएंगे। टैथम का कथन था, मानव भूगोल का परम उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं है, ना ही उसकी अधीनता स्वीकार करना है, बल्कि इसका उद्देश्य तो प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। तो ये एक लंबा कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, विजय प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लें, अर्थात संभववाद नहीं है, ना ही हम प्रकृति की अधीनता को स्वीकार कर लें, अर्थात ना ही नियतिवाद, बल्कि हम बात कर रहे हैं सहयोग की। इसका उद्देश्य सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए, अर्थात नवनियतिवाद। ये शब्द बता रहा है संभववाद को, ये शब्द बता रहा है नियतिवाद को, और सहयोग शब्द बता रहा है नवनियतिवाद को। अगर हम जो हमारे तीनों कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक एक शब्द में बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि विजय, प्रकृति पर विजय, अर्थात ये बता रहा है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिज्म को। प्रकृति की अधीनता, ये बता रहा है कहीं ना कहीं डिटर्मिनिज्म को। और प्रकृति के साथ सहयोग, ये बता रहा है कहीं ना कहीं नियो डिटर्मिनिज्म को। तो इस प्रकार से विजय, अधीनता, सहयोग, इन तीन के माध्यम से हम लोगों ने जॉर्ज टैथम का जो कथन है उसको हम लोगों ने समझा। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। कभी कभी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मानव भूगोल का परम उद्देश्य सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए, तो वो कथन जॉर्ज टैथम महोदय का है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस अध्याय में इतना ही। आगे हम लोग अगली विचारधारा प्रसंभाव्यवाद या प्रोबेबिलिज्म का अध्ययन करेंगे।